बीटेक के सभी बच्चों का मेरी क्लास में स्वागत है। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डायग्राम बनाना सीख चुके हैं और ढेर सारे मॉलिक्यूल का मैंने डायग्राम आपको बनाना सिखाया है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअली में है क्या। एक्चुअल में मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं वो सब कुछ इस थ्योरी के अनुसार ही बोला है। तो हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि इस थ्योरी में क्या क्या मेन पॉइंट था और उस पॉइंट को हम कैसे समझते हैं और उसको कैसे अप्लाई करते हैं जब भी हम डायग्राम बनाते हैं या किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये सारी बातें हम इस थ्योरी में समझ रहे हैं। तो मैंने देखिए लिखा हुआ है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आता है कि लिखने को भी कहता है, तो आपको ये पोर्शन भी पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने लिख दिया है कि दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई हुंस एंड मुल्किन, आर एस मुल्किन है। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, हुंस एंड आर एस मुल्किन, इन 1932। तो ये थ्योरी 1932 में प्रपोज की गई है। इट एज्यूम्स दैट, यानी ये थ्योरी मानता है, इन मॉलिक्यूल में एटॉमिक ऑर्बिटल लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये थ्योरी ये मानता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, मतलब उनका वजूद खत्म हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। तो हम लोग ऐसा करते भी हैं, विच आर एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर एटम, विच आर नॉट एसोसिएटेड, जो किसी एक एटम से जुड़ा नहीं रहेगा। मतलब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है वो दोनों एटम के लिए होता है, ऐसा नहीं है एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम के लिए होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा वो दोनों एटम के लिए कंसिडर किया जाता है। द मेन फीचर्स ऑफ दिस थियरी आर समराइज एज फॉलोज, और इसके जो मेन फीचर्स हैं उसको हमने नीचे समराइज किया हुआ है। देख क्या क्या किया है, तो पहला देखिए, वेन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंट्रैक्ट टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स इन विच द आइडेंटिटी ऑफ बोथ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज लॉस्ट। कह रहा है कि जब कभी भी, जैसे हम लोग समझने का प्रयास करते, कहना क्या चाहता है, तो ये कहना चाहता है कि मान लीजिए भाई एक 1s ऑर्बिटल है ऐसा और एक 1s ऑर्बिटल ऐसा, जब ये दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है कि ये दूसरे को ये इंट्रैक्ट करते हैं और इस इंट्रैक्शन से क्या होता है, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और उसमें इनका जो खुद की आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतनी ही संख्या में बन गए हैं। तो ये इस पॉइंट में दिया गया है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मेशन। ये बात अभी क्लियर हो गई थी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइंड करते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। हम बनाते भी ऐसे हैं, अगर हमको बनाना होता तो हम कहते भाई देखिए एक 1s ऑर्बिटल इधर है, तो हम कैसे बनाते थे, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे बनाते थे, देखो, और हम दिखाते थे कि भाई देखो एक ऑर्बिटल इधर, कहते थे देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये, तो देखो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं। इसी बात को यहाँ लिखा गया है। अगला देखिए, दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाई द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली द सेम एनर्जी एंड सिमेट्री। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि वही ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करेंगे जिनकी एनर्जी और सिमेट्री क्या होगी, बराबर होगी। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब वही है कि सिग्मा या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ दिया गया है। अगला देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है ऐसा, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ये केवल एक ही न्यूक्लियस से प्रभावित होता है। लेकिन अगर वहीं पर क्या हो गया, अगर वहां पर मॉलिक्यूल देखो बन गया, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा, यानी अब इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस से प्रभावित नहीं होगा, अब ये दोनों ही न्यूक्लियस से प्रभावित होगा। इसी बात को यहाँ लिखा गया है, लिखा गया है द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द न्यूक्लियाई, मतलब ऑल द न्यूक्लियाई मतलब जितने भी न्यूक्लियाई होंगे उनसे इलेक्ट्रॉनों का प्रभावित होता है। इस बात को हमें दिया गया। चौथा पॉइंट चाहिए, पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट कह रहा है
द शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो पांचवा पॉइंट देख लेते क्या है. पांचवा पॉइंट कह रहा है कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप कैसा आएगा ये डिपेंड करेगा कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल पर. इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि सिग्मा का फॉर्मेशन करते हैं, पाई लगाते हैं, ये डिपेंड करता है किस तरह के ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन करते हैं. इस पॉइंट को यहाँ दिया गया है. अगला पॉइंट देखिए. नेक्स्ट, द न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स. जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं. एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसपे स्टार नहीं लगाते हैं. एक को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. देखिए आप दिखाया भी मैंने है कि देखिए अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1s का है, दूसरा भी 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये जब कंबाइंड करेंगे तो एक देखिए क्या बनेगा. एक बनेगा आपका बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये जिसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. और जो दूसरा ऑर्बिटल बनेगा इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी. ये देखिए दो प्रकार के ऑर्बिटल बनते हैं मॉलिक्यूल में, तो ये यहाँ पे दिखाए गए हैं. तो देखिए लास्ट पॉइंट है इसमें. इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द सेम वे एज दे आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलोइंग अबव प्रिंसिपल हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है. और यहां पर भी या तो से हो रहा है फिर, और यहां पर भी दो प्रिंसिपल यूज किए जाएंगे, अबव प्रिंसिपल एंड हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा ऑर्बिटल के एनर्जी के बढ़ते क्रम में करना है. यही अबव प्रिंसिपल है, यानी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसकी फिलिंग पहले करिए, जिस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है उसकी फिलिंग बाद में करिए. ये अबव प्रिंसिपल है. हुंस रूल क्या कहता है, हुंस रूल कहता है कि मान लो भाई अगर दो ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के हैं और आपको दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे करेंगे, यानी मैक्सिमम नंबर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन को रखना होता है. ये बात को भी हम लोग क्या करते हैं, जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो इन दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है. इन दोनों बातों का ध्यान जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल में रखते हैं वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी रखते हैं. तो आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये इन्हीं सात पॉइंट से डिफाइन होती है और ये इसके मुख्य पॉइंट हैं. एग्जामिनेशन में कभी कभी लिखने को भी आता है, जब कभी ये लिखने के लिए आए तो आप इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आराम से लिख सकते हैं. तो ये मैंने आपको पूरा इसको बता दिया है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें.